हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑडियोलॉजी एसएलपी फोरम। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीएसएलपी एंट्रेंस एग्जाम का एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बेस्ड है और इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और जनरल नॉलेज के 20-20 क्वेश्चन हैं। इन 100 क्वेश्चन में से आपको बायो और मैथ सेक्शन में से किसी एक सेक्शन को चूज करना है। तो चलिए जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला सेक्शन फिजिक्स का है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज, यंग मापांक की इकाई है। हमारे ऑप्शन हैं जूल, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यंग मापांक की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइड 10 टाइम्स यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ व्हेन द इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लेंस इज। एक फोकस दूरी के लेंस प्रयोग से एक चित्र के प्रक्षेपण को पर्दे पर 10 गुना संशोधित किया जाता है। लेंस से पर्दे की दूरी होगी, ऑप्शन है f अपॉन 11, f अपॉन 10, 11f या फिर 10f। इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, मल्टीप्लाइंग बाय v बोथ साइड, देन v अपॉन f इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन u, v अपॉन f इक्वल टू 1 प्लस m, v इक्वल टू f इंटू 1 प्लस m। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m इक्वल टू 10, देन v इक्वल टू f इंटू 10 प्लस 1, v इक्वल टू 11f। इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, लेंस से पर्दे की दूरी 11f होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉमन टू पेयर, नाभिकीय संलयन जोड़ी आम है। ऑप्शन है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, एनर्जी प्रोडक्शन इन सन और यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, एनर्जी प्रोडक्शन इन सन और हाइड्रोजन बम, या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई और हाइड्रोजन बम। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, एनर्जी प्रोडक्शन इन सन और हाइड्रोजन बम। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन और हाइड्रोजन बम दोनों में ही नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल इन द गिवन करंट इज आई, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0। दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। ऑप्शन है हमारे 1 एम्पियर, 3/2 एम्पियर, 2 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर। सॉल्व करते हैं, जो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 1/R = 1/2 + 1/2 = 1, R = 1। अब प्रतिरोध 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। R = 2 + 1 = 3 ओम, ओम के नियम से V = IR, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V = 6 वोल्ट, पुट द वैल्यू 6 = I × 3, I = 2 एम्पियर। यहाँ पर हमारी सेल से प्रवाहित धारा I का मान 2 एम्पियर आया है, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस 0.04100 meter of displacement in an object, what will be the work of the object? यदि 5 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड में 0.04100 meter विस्थापन पैदा हो तो पिंड का कार्य क्या होगा? ऑप्शन है 20 जूल, 0.2 जूल, 0.5 जूल या फिर 5 जूल। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बल दिया हुआ है
5 न्यूटन और विस्थापन दिया हुआ है 0.04100 मीटर। इंटू कर देते हैं दोनों की तो 0.2 जूल आता है। यहाँ पर कार्य 0.2 जूल होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज। एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ एक नदी पार करती है। यदि नाव के परिणाम स्वरूप वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी के पानी का वेग है। हमारे ऑप्शन हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर या फिर 4 किलोमीटर पर आवर। तो हेयर बोट्स वेलोसिटी एंड द रिवर वेलोसिटी विल गिव द बोट अ न्यू रिजल्टेंट वेलोसिटी। एज द बोट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रिवर वेलोसिटी, एज्यूम दैट वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू VB एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू VR। अप्लाइंग पाइथागोरस प्रमेय, रिजल्टेंट वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू VB स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिजल्टेंट वेलोसिटी दी हुई है 10 और वेलोसिटी ऑफ बोट दी हुई है 8। वैल्यू रख देते हैं, 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VR की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो नदी के पानी का वेग होगा 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, टू बॉडीज हैविंग मासेस 1 ग्राम एंड 9 ग्राम रिस्पेक्टिवली हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज। दो पिंडों के भार क्रमशः 1 ग्राम और 9 ग्राम है और गतिज ऊर्जा बराबर है, उनके आवेगों का अनुपात होगा। हमारे ऑप्शन हैं 1:9, 9:1, 1:3 या फिर 3:1। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² / 2m। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P₁² / 2m₁ = P₂² / 2m₂ इम्प्लाइज दैट P₁/P₂ = √m₁/m₂। देन P₁:P₂ = √1/9 इम्प्लाइज दैट P₁:P₂ = 1:3। इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, 1:3, उनके आवेगों का अनुपात 1:3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 20 हर्ट्ज, इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 100 मीटर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ विल बी। एक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 100 मीटर पर सेकेंड है तो तरंग दैर्घ्य का मान होगा। ऑप्शन है 4 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। तरंग वेग इक्वल टू आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करते हैं, 100 = 20 × तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मान 5 मीटर आएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम, 0.05 ओम एंड 0.25 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन है हमारे 1.80 ओम, 180 ओम, 1.35 ओम या फिर 13.5 ओम। सॉल्व करते हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है इसलिए तुल्य प्रतिरोध R = R₁ + R₂ + R₃। तीनों को ऐड कर देते हैं, 1.80 ओम आएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, तुल्य प्रतिरोध 1.80 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज।
निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। हमारे ऑप्शन हैं इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, लेस देन दैट ऑफ लाइट, ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट और इक्वल टू दैट ऑफ साउंड। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स विद, ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है। हमारे ऑप्शन हैं अल्टरनेटिंग करंट ओनली, डायरेक्ट करंट ओनली, बोथ एसी एंड डीसी या फिर एनी सिग्नल। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, केवल प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट ओनली। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड ऑफ साउंड इज द ग्रेटेस्ट इन, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है वाटर, एयर, ग्लास एंड ग्लिसरीन। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ग्लास। कांच में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन, बिजली उत्पादन हेतु प्रयुक्त भट्टी किस पर आधारित होती है। ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, कोल्ड फ्यूजन एंड सुपर कंडक्टिविटी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, न्यूक्लियर फिजन। बिजली उत्पादन हेतु प्रयुक्त भट्टी परमाणु विखंडन पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, अ पॉन्ड ऑफ वाटर एपियर्स लेस डीप ड्यू टू, जल से भरा तालाब कम गहरा नजर आता है क्यों। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, रिफ्रैक्शन। जल में भरा तालाब अपवर्तन के कारण कम गहरा नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यू टू, किस दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को कहा जाता है। ऑप्शन है ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, आयनोस्फेयर। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों के टिमटिमाने की वजह क्या है। ऑप्शन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारों के टिमटिमाने की वजह वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, न्यूटन का प्रथम गति नियम किसकी अवधारणा देता है। ऑप्शन है एनर्जी, वर्क, मोमेंटम या फिर इनर्शिया। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, इनर्शिया। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, अनुदैर्घ्य तरंग किस माध्यम से होकर यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन है वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, वैक्यूम। अनुदैर्घ्य तरंग निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू, लैम्बर्ट के नियम का संबंध है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या फिर इल्यूमिनेशन। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, इल्यूमिनेशन। लैम्बर्ट का नियम प्रकाश से संबंधित है। दूसरा सेक्शन केमिस्ट्री का है।
क्वेश्चन नंबर 21, हैवी वाटर इज, भारी पानी है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर कंटेनिंग हैवी आयंस D2O एंड वाटर कंटेनिंग सल्फेट ऑफ कैल्शियम। जैसा कि हम जानते हैं कि भारी पानी का फॉर्मूला होता है D2O, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, यानी भारी पानी है D2O। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रेयर गैसेस, निम्न में से कौन सी दुर्लभ गैसें हैं। हमारे ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हमारी सभी गैसें दुर्लभ गैसें हैं, इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वाटर गैस इज, पानी गैस है। हमारे ऑप्शन है CO+H2O, CO+H2, CO+N2 एंड CO+H2+N2। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, पानी गैस है CO+H2। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ऑक्सीजन के अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। हमारे ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लड सेल्स डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड इज, रक्त कोशिकाएं रक्त में सिकुड़ती नहीं है क्योंकि रक्त होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, एक्यूमोलर एंड हाइपरटोनिक। रक्त कोशिकाएं रक्त में सिकुड़ती नहीं है क्योंकि रक्त होता है आइसोटोनिक, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच इज यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, मादक पेय पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ऑप्शन है मेथनॉल, एथेनॉल, फिनॉल एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, एथेनॉल, मादक पेय पदार्थों में एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है टेबल सुगर इज, चीनी है। हमारे ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शर्करा 4 तरह की होती है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो जो यहाँ पर हमारी चीनी है वो होती है सुक्रोज, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेजर गैसेस पोल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन इज, तापी ऊर्जा संयंत्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। हमारे ऑप्शन है H2S, NH3, NO2 एंड SO2। तो तापी ऊर्जा संयंत्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण होते हैं। हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिल्क इज अ नेचुरल, दूध एक प्राकृतिक है, सॉल्यूशन, इमल्सन, मिक्सचर एंड सस्पेंशन। दूध एक प्राकृतिक पायसन होता है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, पायसन यानी इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 31 है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अकर्स इन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। हमारे ऑप्शन है एटॉमिक बॉम्ब्स, डायनमो, बैटरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फ्यूल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम ऑफ फ्यूल।
प्रति ग्राम मुक्त होने वाली ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ ईंधन है। हमारे ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल एंड ब्यूटेन। तो यहाँ पर प्रति ग्राम मुक्त होने वाली ऊर्जा के संबंध में देखा जाए तो हाइड्रोजन सबसे बेस्ट ईंधन है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चेंजिंग ऑफ वन एलिमेंट इनटू अदर एलिमेंट इज नोन एज। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलना कहलाता है। हमारी ऑप्शन है ट्रांसमुटेशन, फेजन, फ्यूजन एंड रेडियो एक्टिविटी। तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलना प्रसारण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पुराने तैल चित्रों के रंग को वापस लाने के लिए किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड। चूंकि हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग, जिसे हम H2O2 भी कहते हैं, पुराने तैल चित्रों के रंग को वापस लाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड। 1 किलोग्राम विलायक में मौजूद विलेय के मोल्स की संख्या को कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो 1 किलोग्राम के लिए मोललता यानी मोलैलिटी का यूज किया जाता है और 1 लीटर के लिए मोलरता यानी मोलैरिटी का यूज किया जाता है। चूंकि हमारे क्वेश्चन में 1 किलोग्राम के लिए कहा गया है तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है यानी मोलैलिटी, मोललता। क्वेश्चन नंबर 36 है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर इज, अर्धचालक का एक उदाहरण है। हमारे ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस एंड ऑर्सेनिक। चूंकि हम सभी जानते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक के दो उदाहरण हैं, तो हमारे ऑप्शन में जर्मेनियम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब बेकिंग सोडा पर नींबू का रस गिराया जाता है तो तीव्र बुदबुदाहट होने लगती है क्योंकि उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त तो सभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो तीव्र बुदबुदाहट होती है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 38 है, आइडेंटिफाई द मेटल विच इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में गैर विषाक्त होती है। हमारे ऑप्शन है क्रोमियम, गोल्ड, कैडमियम और कोबाल्ट। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। सोना धातु ऐसी होती है जो प्रकृति में गैर विषाक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में की उपस्थिति साबित की थी। हमारे ऑप्शन है एटम्स इन ऑल मैटर, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, न्यूट्रॉन्स इन एटम्स एंड न्यूक्लियस इन एटम्स। तो हम सभी जानते हैं कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से रदरफोर्ड ने यह सिद्ध किया था कि परमाणुओं में भी केंद्र पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेयन इज एन एग्जांपल ऑफ। रेयन किसका उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है अ सिंथेटिक फाइबर, अ नेचुरल फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, रेयन एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। तीसरा सेक्शन बायो का है। क्वेश्चन नंबर 41, हीमोग्लोबिन एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हमारे ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ। रक्तचाप में किसकी दीवारों पर रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है? हमारे ऑप्शन है हार्ट, वेंस, आर्टरीज एंड
कैपिलरीज। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, धमनी की दीवारों पर रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथियों के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है पिट्यूटरी, एड्रेनल, थायराइड एंड पैराथायराइड। पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथियों में से मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द फॉलोइंग सुगर गिव्स एनर्जी मोस्ट रेडियली। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? हमारे ऑप्शन है लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय प्लांट्स इज लिबरेटेड आउट बाय। पौधों द्वारा अवशोषित पानी की अधिकतम मात्रा किस विधि से मुक्त की जाती है? हमारे ऑप्शन है इवेपोरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में पानी मुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ। रक्त समूह ए बी का व्यक्ति किस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है? हमारे ऑप्शन है ओनली ग्रुप ए बी, ओनली ग्रुप ए, ओनली ग्रुप बी या फिर एनी ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह ए बी का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पहला प्रतिजीवी कौन सा था? हमारे ऑप्शन है टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन पहला प्रतिजीवी था जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल क्या होता है? हमारे ऑप्शन है 20-30 days, 140-160 days, 80-90 days या फिर 100-120 days। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 100-120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जैव उर्वरक का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, कैटल डंग या फिर अल्गे एंड ब्लू ग्रीन अल्गे। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, सैवाल और नीला हरा सैवाल, ये एक जैव उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे ऑप्शन है बेरी बेरी, पेलेग्रा, रिकेट्स एंड स्कर्वी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यह रोग हड्डियों से संबंधित होता है और इसमें बच्चों की हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन B12। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोट बाय कॉर्पसल्स इज कॉल्ड। रक्त वाहिकाओं के तरल भाग को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा, सीरम या फिर लिम्फ। सीरम रक्त वाहिकाओं के तरल भाग को कहा जाता है जो कि येलोइश कलर का होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द विटामिन विच कैन नॉट बी हैड फ्रॉम एनी वेजिटेबल इज। वह विटामिन जो किसी भी सब्जियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
हमारे ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। विटामिन डी बहुत ही कम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन में, और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, द इंसेक्ट एपिस मेलिफेरा इज कॉमनली नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग। कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, हनी बी या फिर स्पाइडर। हनी बी मधुमक्खी, इसका साइंटिफिक नेम एपिस मेलिफेरा होता है, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। परमाणु विकिरण से मानव शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होता है? हमारे ऑप्शन है आईज, लंग्स, स्किन या बोन मैरो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्किन यानी त्वचा ऐसी चीज होती है जिस पर सबसे पहले इफेक्ट होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जोनास साल्क इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर। जोनास साल्क ने किस वैक्सीन का आविष्कार किया था? हमारे ऑप्शन है पोलियो, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या फिर कॉलरा। पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार जोनास साल्क ने किया था, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 57 है, फूड इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, पौधों में भोजन का अपवाहन किसके द्वारा होता है? हमारे ऑप्शन है कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस या फिर जाइलम। पौधों में भोजन का अपवाहन फ्लोएम के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज, बिना फूलों वाले पौधों को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे जेनेरोगैम्स, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट या फिर क्रिप्टोगैम। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, क्रिप्टोगैम। बिना फूलों वाले पौधों को क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, एन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, एक अप्रतिबंधित क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे बर्थ रेट, बायोटिक पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी या फिर फर्टिलिटी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, बर्थ रेट जन्मदर। बर्थ रेट को अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिविटी कैपेसिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, ड्यूरिंग इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड। आपात स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन, थायरोक्सिन, एड्रेनलाइन या फिर थायमीन। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, आपात स्थिति के दौरान एड्रेनालाइन नामक हार्मोन स्रावित होता है। चौथा सेक्शन मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 61 है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड बी द वेथ हैव टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले? ऑप्शन है हमारे 50%, 125%, 75.5% और 37.5%। सॉल्व करते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, देन आयत का क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई। माना चौड़ाई में a परसेंट की कमी करनी है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन होगी x प्लस 60x बाई 100 इंटू वाई माइनस ए वाई बाई 100 बराबर एक्स वाई। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, a का मान आता है 37.5।
इसलिए चौड़ाई में 37.5% की कमी करनी होगी। इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62। अमित सैलरी इन 2018 इज रुपीज 1,26,500। हिज सैलरी फॉर 2016 हैज राइजन एनुअली बाई 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली टू रीच 2018 सैलरी फिगर्स। व्हाट वॉज हिज सैलरी इन 2016? 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? ऑप्शन है हमारे रुपये 95,000, रुपये 1,25,000, रुपये 1,15,000, रुपये 1,00,000। वी नो दैट बाई फॉर्मूला ए स्क्वल टू पी 1+R1/100 इंटू 1+R2/100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वल टू 1,26,500 रुपीज, पी हमें निकालना है, R1=10 और R2=15। देन वैल्यू रख देते हैं, 1,26,500 बराबर पी इंटू 1+10/100 इंटू 1+15/100। यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी की वैल्यू आती है हमारी 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। वर्ष 2016 में उसकी सैलरी होगी 1,00,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 63। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर LCM इज 432। इफ वन ऑफ द नंबर इज 48, द अदर नंबर इज। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है। ऑप्शन है 52, 42, 27 या फिर 54। सॉल्व करते हैं। वी नो दैट महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। वैल्यू रखते हैं, मासा दिया हुआ है 6 इंटू लासा दिया हुआ है 432 और पहली संख्या दी हुई है 48। वैल्यू रख देते हैं, 6 इंटू 432 इक्वल टू 48 इंटू x, दूसरी संख्या को हमने x माना है। निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ जाती है 54। इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, दूसरी संख्या 54 है। क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज इफ बनानास परचेस्ड 6 फॉर ₹10 एंड सोल्ड 4 फॉर ₹6। रुपये 10 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? ऑप्शन है 10%, 5%, 6% और 20%। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 6 केले मिलते हैं ₹10 के, एक केला मिलेगा 10/6 रुपये में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 4 केले बेचे जाते हैं ₹6 में, एक केला बेचा जाएगा 6/4 रुपये में। हानि निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 10/6 - 6/4। सॉल्व करते हैं, 1/6 रुपये आता है। हानि हमारी यहाँ कितनी आ गई? 1/6 रुपये। प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि इंटू 100 / क्रय मूल्य। वैल्यू रख देते हैं,
हानि दी हुई है 1/6 इंटू 100 बटे 10/6। वैल्यू निकालते हैं, 10% आती है, इसलिए यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, उसे 10% की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 65। इफ डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 36 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। यदि संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। ऑप्शन है 5/36, 5/9, 31/36 या फिर 9/5। सॉल्व करते हैं। माना दो संख्याएं x और y हैं, तो x-y=5 एंड xy=36 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन 1/x-1/y की वैल्यू निकालनी है। 1/x-1/y=y-x/xy हो जाएगा, बराबर x-y की वैल्यू दी हुई है 5 और xy की वैल्यू दी हुई है 36। दोनों वैल्यू रख देते हैं, 5/36 आता है, इसलिए यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66। इफ वी इंक्रीज्ड 20% इन न्यूमिरेटर एंड 25% इन डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन देन इट इज 3/5 देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। ऑप्शन है 3/8, 8/5, 5/8 या फिर 8/3। माना अंश x और हर y है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन होगी हमारी x प्लस 20x/100 पूरे के अपॉन में y प्लस 25x/100 = 3/5। सॉल्व करते हैं। x अपॉन y की वैल्यू आती है 5/8। x हमारा न्यूमिनेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है, इसलिए यहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू आती है 5/8, इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है। इफ 2160 = 2^a (3b) (5c) देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3^a (2b) (5c) यदि 2160 बराबर 2^a (3b) (5c) तो 3^a (2b) (5c) का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 1/2, 81/40, 0 या फिर 37/39। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हम 2160 की फैक्टर करते हैं। फैक्टर आते हैं हमारे 2^4 × 3^3 × 5^1। यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आती है हमारी 4 और b की वैल्यू आती है 3 और c की वैल्यू आती है 1। तो 3^a (2b) (5c) की जगह ए बी सी के मान रख देते हैं। यहाँ से हमारी वैल्यू आती है 81/40, इसलिए यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68। इफ ए प्लस बी अपॉन सी इज्क्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज्क्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इज्क्वल टू के देन द वैल्यू ऑफ के इज। यदि ए प्लस बी बटे सी बराबर बी प्लस सी बटे ए बराबर सी प्लस ए बटे बी बराबर के
हो तो के का मान है। ऑप्शन है 1, 1/2, 2 या फिर 3/2। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी अपॉन सी इज्क्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज्क्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इज्क्वल टू के। तो यहाँ से a प्लस बी इज्क्वल टू सी के फर्स्ट इक्वेशन है, b प्लस सी इज्क्वल टू ए के सेकेंड इक्वेशन, c प्लस ए इज्क्वल टू बी के थर्ड इक्वेशन। तीनों को ऐड करते हैं, 2 a प्लस बी प्लस सी इज्क्वल टू के इंटू ए प्लस बी प्लस सी। दोनों तरफ से a प्लस बी प्लस सी काट देते हैं, k इज्क्वल टू 2 आता है, इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन डबल द न्यूमरेटर। ऑन एडिंग 2 टू द न्यूमरेटर एंड सबस्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी ऑप्टेन 1। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 4/9, 2/5, 1/9 या फिर 1/3। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना अंश बराबर x और हर बराबर 2x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनती है हमारी x+2 / 2x+1 - 3 = 1। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x+2 = 2x+1 - 3, x = 4। यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर 4 आता है, इसलिए डिनोमिनेटर होगा 9। इसलिए यहाँ पर हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी 4/9। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ HCF ऑफ a एंड 8 इज्क्वल टू 4 एंड LCM ऑफ a एंड 8 इज्क्वल टू 24, देन a इज। यदि a और 8 का मासा 4 है और a और 8 का लासा 24 है तो a का मान है। ऑप्शन है 10, 14, 12 एंड 8। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मान रख देते हैं 4 × 24 = a × 8 = 12। यहाँ पर a की वैल्यू 12 आती है, इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर एंड पेरीमीटर इज 46 मीटर, देन एरिया ऑफ द फील्ड विल बी। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है हमारे 112 मीटर स्क्वायर, 132 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर या फिर 289 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसा आप देख सकते हैं y यहाँ पर लंबाई है और x चौड़ाई। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, x² + y² = 17 × 17, x² + y² = 289। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है परिमाप इज्क्वल टू 46 मीटर, तो यहाँ से हम x + y = 23 निकाल लेते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। जैसा कि हम जानते हैं
एक्स प्लस वाई का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। यहाँ से हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, जिससे हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चलती है। एक्स वाई इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, खेत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इफ ए बाई थ्री इक्वल टू बी बाई टू इक्वल टू सी बाई वन, देन ए प्लस बी प्लस टू सी अपॉन बी इज। यदि ए बाई थ्री बराबर बी बाई टू बराबर सी बाई वन हो तो ए प्लस बी प्लस टू सी अपॉन बी है। ऑप्शन है 4, 3.5, 3.8 या फिर 5। सॉल्व करते हैं। गिवन ए बाई थ्री इक्वल टू बी बाई टू इक्वल टू सी बाई वन, देन ए बाई बी इक्वल टू 3/2 एंड सी बाई बी इक्वल टू 1/2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। हमें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस टू सी अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं। ए अपॉन बी प्लस वन प्लस टू सी अपॉन बी। पुट द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन 3/2 प्लस वन प्लस टू इंटू 1/2 3.5 आता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ऑप्शन है हमारे 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 7 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाय फॉर्मूला ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दर यहाँ पर है 8%, समय इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और पी इक्वल टू मूलधन हो जाता है। पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला 2/5 इंटू पी इक्वल टू पी इंटू 8 इंटू एक्स अपॉन 100। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स हमारा 5 आता है। इसलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, समय बराबर 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 74, द स्मॉलेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई टू 33, 275 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो है। ऑप्शन है 5, 2, 3 या फिर 6। क्वेश्चन को देखते हैं। 33, 275 के सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं। यहाँ पर फैक्टर आते हैं 5 × 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें 5 से इंटू करनी होगी। इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या 5 है जिसमें 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, इफ 30% ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू 18% ऑफ ए प्लस बी, देन द रेशियो ए रेशियो बी विल बी। यदि बी माइनस ए का 30% बराबर ए प्लस बी का 18% हो तो अनुपात ए अनुपात बी होगा। ऑप्शन है 5:3, 1:4, 4:1 या फिर 5:2। क्वेश्चन को देखते हैं। बी माइनस ए का 30% बराबर ए प्लस बी का 18%।
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी माइनस ए इंटू 30/100 बराबर ए प्लस बी इंटू 18/100। यहाँ से ए बाई बी इक्वल टू 1/4 आता है, मीन्स ए रेशियो बी इक्वल टू 1:4, इसलिए यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इफ ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी देन 5/7 इज इक्वल टू, यदि ए गुड़े बी बराबर ए गुड़े बी प्लस बी है तो 5/7 बराबर है। ऑप्शन है हमारे 42, 12, 35 और 59। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 7। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, 5/7 इक्वल टू 5/7+7। यहाँ से हमारी 5/7 की वैल्यू 42 आती है, इसलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी एंड कोण ए सी डी इक्वल टू 105 डिग्री देन कोण बी ए सी इज इक्वल टू। दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी और कोण ए सी डी बराबर 105 डिग्री है, तब कोण बी ए सी बराबर है। ऑप्शन है 105 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 75 डिग्री। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चूंकि बी सी डी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर 180, कोण ए सी बी प्लस 105 बराबर 180, कोण ए सी बी बराबर 75 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ कोण ए सी बी इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट कोण ए बी सी बराबर 75 डिग्री। इन त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर कोण बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी को ऐड करते हैं 150 डिग्री आता है, इसको 180 से माइनस कर देते हैं तो 30 डिग्री आता है, इसलिए कोण बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एच सी एफ एंड एल सी एम इज 2028, द सम ऑफ द नंबर्स विल बी। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल होगा। ऑप्शन है 86, 68, 72 या फिर 91। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना संख्याएं 3x और 4x हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पर मासा इंटू लासा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2028 वैल्यू रख देते हैं। 2028 बराबर 3x गुणे 4x, 12x² बराबर 2028, x² बराबर 169, x बराबर 13। तो यहाँ पर हमारी संख्याएं हो गई 39 और 52। संख्याओं का योगफल निकाल लेते हैं, 91 आता है, 91, इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। ऑप्शन है इनफाइनाइट, 2, 0 या फिर 1। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट, यानी कि एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 80 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच द नंबर 417Z8 इज डिवाइजेबल बाय 9। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417Z89 से विभाज्य हो। ऑप्शन है 3, 7, 6 और 9। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 से विभाज्य होने वाली संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम 4, 1, 7 और 8 को ऐड करते हैं तो हमारा 20 आता है। अगर हम 20 में 7 और जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाज्य होगा। तो अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, इसलिए यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, जेड इक्वल टू 7 होगा। फिफ्थ सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज का है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड इन, भारतीय जंगली गधों का अभ्यारण्य स्थित है। हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या फिर कर्नाटका। गुजरात में भारतीय जंगली गधों का अभ्यारण्य स्थित है, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। भारत में आए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम की मूल पंक्ति क्या है? हमारे ऑप्शन है स्वच्छ भारत स्वच्छ कल, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, बेहतर जीवन हेतु इको फ्रेंडली ईंधन। तो हमारे उज्ज्वला योजना कार्यक्रम की मूल पंक्ति है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी का संक्षिप्त रूप है। हमारे ऑप्शन है इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का संक्षिप्त रूप है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हु इज द ऑथर ऑफ मालगुड़ी डेज। मालगुड़ी डेज के लेखक हैं, हमारे ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, आर के नारायण, महादेवी वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो मालगुड़ी डेज के लेखक हैं आर के नारायण, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 है, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड टनल हैज बीन कमीशन्ड इन विच स्टेट। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरल। तो आंध्र प्रदेश में सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किया गया है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द ह्यूमन ईयर कैन जनरली हियर साउंड्स रैंगिंग फ्रॉम। सामान्यतः मानव कर्ण ध्वनि सुन सकता है। हमारे ऑप्शन है 22,000 हर्ट्ज, 22,000 हर्ट्ज, 22,000 हर्ट्ज या फिर 1,000 to 5,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, यानी मानव कर्ण ध्वनि सुन सकता है 22,000 to 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज
हैज मेडिकल वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ औषधीय मूल्य रखता है? हमारे ऑप्शन हैं पाइन, टीक, नीम या ओक। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, यानी नीम एक औषधीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? हमारे ऑप्शन हैं अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या फिर पी चिदंबरम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्मला सीतारमण वर्तमान वित्त मंत्री हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 90 है, वेयर फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? जहाँ पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया। हमारे ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या फिर श्रीलंका। तो हम आपको बता दें कि इंग्लैंड में पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन विच गेम द टर्म पुटिंग इज यूज्ड? पुटिंग टर्म का यूज किस खेल में किया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं हॉकी, चेस, गोल्फ या बिलियर्ड्स। तो पुटिंग शब्द का यूज गोल्फ में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है पेनाल्टी किक, फ्री किक, पेनाल्टी स्ट्रोक या फिर ऑफसाइड। तो पेनाल्टी स्ट्रोक फुटबॉल से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट? जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं बॉक्सिंग, स्क्वैश, हॉकी, क्रिकेट। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, जहांगीर खान स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑन द बेसिस ऑफ द? भारतीय संविधान का प्रीएम्बल किस पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है ब्रिटिश फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश P24 कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, भारतीय संविधान का प्रीएम्बल फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिटेड बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दो सेशंस के बीच मैक्सिमम कितना टाइम दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या फिर 9 मंथ। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, 6 मंथ। पार्लियामेंट के टू सेशंस के बीच में 6 मंथ का मैक्सिमम टाइम इंटरवल दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर? निम्नलिखित में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं चित्रा, कपाला कुंडाला, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, कपाला कुंडाला रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है, हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा है? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी नजरुल इस्लाम, फिराक गोरखपुरी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच इज द मेजर एरिया वेयर गरबा डांस फॉर्म इज कॉमन? गरबा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब।
यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। गरबा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच इज द लार्जेस्ट मेटल्स ट्रेडिंग सेंटर। सबसे बड़ा मेटल्स ट्रेडिंग सेंटर कहाँ है? हमारे ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर सिंगापुर। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा मेटल्स ट्रेडिंग सेंटर न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच की बाउंड्री लाइन है? हमारे ऑप्शन है इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड चाइना या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की। तो दोस्तों, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।